हेलो मेरे दोस्तों मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेंटर पे दोस्तों आज का वीडियो जो है बीबीएम क्यू हिस्ट्री कोर इलेवन वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे हिस्ट्री कोर इलेवन के टॉप एम सी क्यू के बारे में ठीक है और ये जो एम सी क्यू क्वेश्चन है ना वो एम सी क्यू क्वेश्चन जो है आपके सारे सिलेबस से लिए गए हैं कोर इलेवन में जितने भी सिलेबस हैं वो सिलेबस से रिलेटेड लिए गए हैं लिए गए हैं और जो जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है जैसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन छाट करके दिया हुआ है ठीक तो है वीडियो को मिस ना करें ठीक है और वीडियो को अंत तक देखें ठीक है क्योंकि इसके अंतर्गत जो है ना आपको कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन भी दिया जाएगा वीडियो में कहीं भी दिया जाएगा इसलिए वीडियो को एंड तक देखें ठीक है चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है देखिए पहला क्वेश्चन की बात करें लिखा हुआ है आपातकाल को कितने प्रकार से विभाजित किया गया अगर आपातकाल की बात करें आपातकाल की घोषणा हुआ है ना हाँ तो आपातकाल को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है ठीक है तो आपातकाल को तीन वर्ग में विभाजित किया गया कितने वर्ग में तीन वर्ग में विभाजित किया गया ठीक है पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल ये तीन आपातकाल होते हैं चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए क्वेश्चन में सेकेंड है आपका कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था योजना आयोग जो था ठीक है उसका गठन जो है किस वर्ष किया गया था तो किस वर्ष किया गया था दोस्तों तो 1950 ईस्वी में किया गया था कब किया गया था 1950 ईस्वी में किया गया था ठीक है आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां हुआ था अगर जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इनका जन्म कहां हुआ था ठीक है तो कहा हुआ था सीता बदियार में कहा हुआ था सीता बदियार में ठीक है और देखिए इन्हीं के आंदोलन के नाम से जेपी आंदोलन चलता है ठीक है जेपी आंदोलन आप सुने होंगे ठीक है या तो आपको पढ़ना भी होगा तो उसी के अनुसार से यहाँ पे देखिए जेपी आंदोलन को ही जयप्रकाश नारायण आंदोलन कहा जाता है ठीक है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें क्वेश्चन नंबर फोर में क्या लिखा हुआ है कि 1975 के आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे अगर 1975 की आपातकाल की बात करें तो 1975 सौ पचहत्तर ईस्वी में जो आपातकाल आया था उसका घोषणा किसने किया था कौन सा राष्ट्रपति ने किया था ठीक है तो किसने किया था डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद ने किसने डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद ने किया था ठीक है आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर फाइव है कोठारी शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था कोठारी शिक्षा आयोग का गठन जो है वो कब हुआ था ठीक है तो कब हुआ था उन्नीस सौ में देखिए वहाँ पे ऑप्शन आपको बहुत सारे दिए रहेंगे है ना देखिए उन्नीस दिया उन्नीस सौ दिया हुआ अठारह दिया हुआ ऑप्शन बहुत सारे दिए रहेंगे ठीक है आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है अगर आप लोग क्वेश्चन ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं एम क्वेश्चन वो सारे आपके सिलेबस से लिए गए ठीक है और सारे सिलेबस के जो लॉन्ग क्वेश्चन थे वो आपको करवा दिया गया अगर आप उसको बेटर तरीके से पढ़ लेते हैं ना ठीक है अब अगर भी ये एम पढ़ रहे हैं ना तो आपको पता भी चलेगा कि जितने आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उससे कितना रिलेटेड है ये ठीक है तो उसी से रिलेटेड सारा है अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन बेटर तरीके से जान जाते हैं ना तो एंसर की क्वेश्चन आपका बन जाएगा ठीक है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका कि नक्सलवाद भारत के किस राज्य से शुरू हुआ अगर नक्सलवाद की बात करें तो नक्सलवाद जो है भारत के किस राज्य से शुरू हुआ था तो पश्चिम पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था कहां से पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी क्षेत्र से हुआ था ठीक है आगे नागरिकता अधिनियम 1955 में कितने प्रकार से नागरिकता देने का अधिकार दिया गया नागरिकता अधिनियम जो है 1955 उसमें से कितने प्रकार से नागरिकता देने का अधिकार दिया गया तो पांच प्रकार से नागरिकता दिया जाता है जो आपको नागरिकता अधिनियम 1955 में बताया गया ठीक है वहां से आपको जरूर जरूर देख लें ठीक है देखिए इससे ये तो आपका आंसर क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कोर इलेवन कोर ट्वेल्व डी एस सी वन का सारा क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है अगर आप उसको नहीं देखे होंगे लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है अगर उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप लोग सारे वीडियोज़ को आराम से करके देख सकते हैं उसके साथ साथ आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं जहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि एग्ज़ाम के समय में आपको पी अवेलेबल करवा दिया जाएगा ठीक है देखिए आठवां क्वेश्चन है, है दोस्तों कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था ठीक है तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था इंदिरा गांधी ने दिया था ठीक है इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर के पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था किसने इंदिरा गांधी ने ठीक है आगे देखिए क्वेश्चन नाइन है कि नक्सलवादी आंदोलन का आरंभ कब हुआ था नक्सलवादी आंदोलन की बात करें दोस्तों तो ये इसका जो आरंभ है वो कब हुआ था तो कब हुआ था उन्नीस सौ सड़सठ ईस्वी में हुआ था कब हुआ था दोस्तों उन्नीस सौ सड़सठ ईस्वी में हुआ था ठीक है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीन है कि लेफ्ट विंग्स पॉलिटिक्स किसे कहते हैं अभी मैंने आपको बताया जस्ट वामपंथी दल के बारे में बताया था ठीक है कि लेफ्ट विंग जो लेफ्ट साइड बैठते थे उसको वामपंथी दल कहा गया जो राइट right साइड बैठते थे उसको दक्षिण पंथी दल कहा गया था है ना तो यहाँ पर जान जाइएगा आप कि लेफ्ट विंग्स पॉलिटिकल्स किस किसको किसको कहते हैं तो वामपंथी दल को कहते हैं ठीक है आगे देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर इलेवन में दोस्तों कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार लिखा गया है ठीक है लिया गया है वो किस देश से लिया गया दोस्तों तो वो कौन सा देश से लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया यूएसए से कहां से यूएसए से संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया ठीक है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की बात करें क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में क्या लिखा हुआ है कि भारत में पहली गठबंधन की सरकार के समय प्रधानमंत्री कौन थे जिसमें भारत में पहली गठबंधन की सरकार बना था उसमें प्रधानमंत्री कौन थे तो प्रधानमंत्री कौन थे मोरारजी देसाई कौन थे मोरारजी देसाई ठीक है मतलब जैसे मान लीजिए कि पहली बार गठबंधन के सरकार के रूप में प्रधानमंत्री कौन बने थे तो कौन बने थे मोरारजी देसाई बने थे ठीक है तीसरा लिखा थर्टी नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदू कोड बिल कितने दशक में पारित किया गया था मतलब कब पारित किया गया था हिंदू कोड बिल जो है आपको मैंने बताया था ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना तो ये कब पारित किया गया था तो उन्नीस सौ पचास में मैंने मैंने आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी बताया था ठीक है तो आप लॉन्ग क्वेश्चन बेटर तरीके से जान जाए तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा ठीक है एम सी क्यू पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप बेटर तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नंबर क्वेश्चन में क्या है कि भारत में पहला आपातकाल कब घोषित हुआ था भारत में जो है ना पहला आपातकाल कब घोषित हुआ था तो छब्बीस अक्टूबर उन्नीस ईस्वी को कब छब्बीस अक्टूबर उन्नीस ईस्वी को घोषित हुआ था और उस समय भारत और चाइना का युद्ध चल रहा था है ना इसलिए वहां पे पहला आपातकाल लगा था ठीक है फिर देखिए लिखा हुआ भारत में दूसरा आपातकाल किस युद्ध के कारण लगाया था भारत में जो है दूसरा आपातकाल जो लगा था वो किस युद्ध के कारण लगा था पहला जो युद्ध था ठीक है मैंने जान, जान लिया कि वो भारत चाइना का था ठीक है तो वो तो हो नहीं सकता है ठीक है तो दूसरा लिखा हुआ भारत पाकिस्तान युद्ध भारत रूस युद्ध इनमें से कोई नहीं हाँ तो भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जो है दूसरा आपातकाल लगा था ठीक है फिर देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन कि आजादी के बाद भारत में महिलाओं का साक्षरता दर कितना वृद्धि हुए आपको ये क्वेश्चन था है ना कि स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की साक्षरता दर में कितना वृद्धि हुआ है तो कितना परसेंट वृद्धि हुआ सिक्सटी एट परसेंट जो है ना क्या हुआ वृद्धि हुआ है महिलाओं के साक्षरता दर में ठीक है आगे लिखा हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन कि द्रविड़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे द्रविड़ आंदोलन के अगर संस्थापक की बात करें तो इनका इनका स्थापना कौन किया था ठीक है तो क्या टी एम नायर ने किया था कि पी त्या, त्याग त्यागराज चेठी तो दोनों ने किया था ठीक है तो क्या हो जाएगा उपरोक्त दोनों हो जाएगा ठीक है देखिये तीसरा आपातकाल किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लगाया गया था ऐसा कौन सा आपातकाल है तीसरा आपातकाल जो है किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लगाया था उसमें प्रधानमंत्री पे कौन थे तो कौन थे इंदिरा गांधी कौन थी इंदिरा गांधी थी वहां पे तीसरा जिसमें आपातकाल लगा था ठीक है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कि भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत कब हुआ था भारत में जो है नक्सली अक्सली हिंसा का जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था तो उन्नीस सौ में हुआ था कब हुआ था उन्नीस सौ में हुआ था ठीक है अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये एम सी क्यू क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो ये एम सी क्यू क्वेश्चन मैंने सारा इंपॉर्टेंट एम सी क्यू लिए हैं ठीक है तो देखिए अगर एम सी क्यू की बात करें ना तो एम सी क्यू का कोई माँ बाप होता नहीं मतलब ये कहाँ से पूछ दे ये टीचर्स को भी पता नहीं होता है ना लेकिन ये चीज़ गारंटी है कि आपका सिलेबस से बाहर जाएगा नहीं तो अगर आप क्वेश्चन को बेटर तरीके से कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को अगर आप बेड तरीके से करते हैं ना तो सारा जो है एमसीक्यू क्वेश्चन उससे मिल जाएगा और मैं ये गारंटी नहीं लेता हूं कियू बता रहा हूं इसी से लड़ जाए क्योंकि मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है है ना और ये जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन वहां पे आ जाए सो ठीक है अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन बेड तरीके से करते हैं तो उससे आपका परफेक्ट मैचिंग हो जाएगा वहां पे ठीक है तो आप बना सकते हैं वहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है कि भारत में पहले औद्योगिक नीति कब अपनाया गया भारत में जो है ना पहला औद्योगिक नीति जो है वो कब अपनाया गया था तो कब अपनाया गया था उन्नीस में जो है भारत में पहला औद्योगिक नीति अपनाया गया था ठीक है तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जो है टॉप ट्वेंटी एम क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है ठीक है और इससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन आपको चाहिए होंगे कोर इलेवन का कोर ट्वेल्व का डी ए वन का डी ए सी टू का तो सारे क्वेश्चन जो है ना आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से पढ़ सकते हैं ठीक है और उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं और इससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन आपको पूछना होगा ठीक है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें कि सर ये क्वेश्चन मुझे चाहिए मैं जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा ठीक है तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत